नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अप्रैल गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि मई में परीक्षा की नई तारीखों पर विचार होगा। इसके अलावा हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को लेकर बाद में फैसला किया जाएगा। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी इस बार 5वीं, 8वीं और 10वीं की परीक्षा नहीं लेने का फैसला किया है। पंजाब में बिना परीक्षा लिए 5वीं, 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव 2021 में होने वाला शोर शराबा आज थम गया। चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। भाजपा और कांग्रेस के शहर भर में 2 बड़ी रैलियां हुई। भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी की रैली फवारा चौक से शुरू हुई। चुनाव आयोग के आदेशानुसार सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करवा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोजाना कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के अनुसार जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे में SBI बैंक में एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आया है। इस बैंक में मैनेजर सहित 5 कर्मचारी पॉजिटिव आ चुके हैं। अब बालेसर SBI बैंक को बंद कर दिया गया है। अजमेर जिले के दरदून गांव के निकट हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक जीप नीलगाय से टकराकर पलट गई। इसमें सवार मां बेटे समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को नागौर जिले के परबतसर अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक महिला की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अजमेर के अस्पताल में रेफर किया गया। सभी नागौर जिले के कुचिपला गांव के निवासी हैं और वर्तमान में किशनगढ़ रह रहे थे। सभी किसी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। रूपनगढ़ थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना इलाके में एक मजदूर ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को मोर्चरी में रखवाया है। थाना अधिकारी मूल सिंह भाटी ने बताया कि मूलते डूंगरपुर हाल राजस्थान आवासन मंडल के पास में रहने वाले 18 वर्षीय श्रमिक सुनील मीना अपने साथी मजदूरों के साथ रहता था। रात को वह उठा और कहीं चला गया। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। संभवतः मानसिक परेशानी में उसने फंदा लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बांसवाड़ा शहर के मंदारेश्वर क्षेत्र में 8 से 10 नकाबपोश बदमाश ताला तोड़कर शहबाज खान के घर में घुस आए और करीब 60,000 रुपये के चांदी के जेवर और 15,000 नकदी चुरा ले गए। शहबाज खान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि नकाबपोश बदमाश ताला तोड़कर पास के कमरे में घुस गए और अलमारी में रखे करीब 60,000 के चांदी के जेवर और 15,000 रुपये कैश चुरा लिए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जैसलमेर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट लगने से श्रमिक की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बॉर्डर जा रही लाइन का मरम्मत का काम चल रहा था। पोल पर चढ़कर श्रमिक काम कर रहा था, अचानक लाइन में करंट आने से श्रमिक पोल से नीचे गिर गया। साथ ही श्रमिक उसे अस्पताल लाए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर जिले के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में पशु आहार फैक्ट्री के सामने स्थित एक गली में हैंडीक्राफ्ट की इकाई में आज सुबह 4 बजे भीषण आग लग गई। 3 मंजिला इस फैक्ट्री में हर जगह पर लकड़ी का सामान भरा था, जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर 4 घंटे में आग पर काबू पाया। इसी दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा, वहीं सड़क पर यातायात रोका गया। आग की भयावहता देखते हुए उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। आग से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। धौलपुर जिले के सेपऊ में NH 123 पर पंचगांव के पास ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में एक बस पलट गई। बस में सवार 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 महिलाओं और 1 बच्ची की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर पंचगांव पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस झांसी से जयपुर की तरफ जा रही थी। इसी बीच बस के आगे ट्रैक्टर आ गया। इसे बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर सड़क किनारे नीचे गड्ढे में जा गिरी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.